हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, होंडा कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ रही है। होंडा कंपनी अपने इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक रेट्रो स्टाइल बाइक को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जो 190 सीसी के इंजन के साथ आने वाली है, जिसका नाम आपको होंडा CB190R देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन लुक वाली रेट्रो स्टाइल बाइक होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होंडा कंपनी इस बाइक को इंडिया में कब तक लॉन्च करेगी, इस बाइक का प्राइस क्या होगा, इस बाइक में आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप या मिस बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील्स। दोस्तों, बात करें अगर सबसे पहले बाइक के लुक के बारे में, तो बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। बाइक के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक के जो इंडिकेटर हैं वो आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाएंगे और बाइक के रेयर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको राउंड शेप का डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे कई सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर ब्रेकिंग सेटअप के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल एबीएस का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बाइक के अगर सस्पेंशन के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइक के रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको 190 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.5 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 16 न्यूटन मीटर की। बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अगर माइलेज के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 40 kmpl का माइलेज आराम से दे देगी, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी है। बाइक के अगर टायर साइज के बारे में बात करें, तो बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलेगा और बाइक के रेयर में आपको 150 सेक्शन का वाइड टायर देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। दोस्तों, बाइक का जो लुक है बहुत ही ज्यादा शानदार और फुल्ली रेट्रो स्टाइल होने वाली है। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,70,000 के प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 2024 के एंड में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये बाइक कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना।